हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का फिर से एक और बारी बहुत बहुत स्वागत है कास्टर ओहन के यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपको तो पता चल ही चुका है थंबनेल और टाइटल देखकर कि कौन से टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुपर सस के अंदर कौन से रिपोर्ट्स किस चीज के लिए यूज होते हैं और वो प्रॉपरली यूज होते हैं। अगर आप ज्यादा रिपोर्ट्स डालोगे तो आपका रिपोर्ट सबमिट नहीं होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ये वीडियो उन बंदों के लिए है जो कि डिस्कॉर्ड का पूरा मगजमारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते एंड डिस्कॉर्ड से जाकर उतना लेंथी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने वाले। तो फिर चलिए वीडियो को बिना कोई टाइम बर्बाद किए करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि हम लोग जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं और 5000 सब्सक्राइबर्स हिट होने के खुशी पर मैं करूंगा टोटल 5 सुपर पास का गिव अवे। तो फिर जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब बटन दबा कराओ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रिपोर्ट करना कैसे है, क्योंकि अगर रिपोर्ट करना नहीं पता तो कैसे करोगे यार रिपोर्ट वाला पूरा प्रोसेस को कंप्लीट। ओके, सो गेम के अंदर रिपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये वाला रिपोर्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेना है और जिस बंदे पर भी रिपोर्ट करना है उस पे वो वाला मतलब ये जो अलर्ट वाला साइन है उसको कर देना है क्लिक। एंड देन आपको कोई भी एक रिपोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। जब आप गेम के अंदर रहोगे तब आप 3 ही रिपोर्ट सिलेक्ट कर सकते हो और नॉर्मली भी आप 3 ही रिपोर्ट सिलेक्ट कर पाओगे। तो अब आइए चलिए बात करते हैं कि अगर आपका गेम कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद जाकर कैसे आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो उसके लिए आपको चले आना है प्रोफाइल के अंदर एंड देन गेम वाले सेक्शन पर। अब गेम वाले सेक्शन पर आने के बाद गेम हिस्ट्री पे चले जाना है। गेम हिस्ट्री के बाद आपको आना है ये एरो वाले ऑप्शन पर एंड देन रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाकर क्लिक करना है। एंड देन एज यूजुअल वो रिपोर्ट वाला ऑप्शन मतलब वो अलर्ट वाला ऑप्शन पर जाना है क्लिक करके एंड देन आपको कोई सा भी एक रिपोर्ट कर देना है सबमिट। अब मैं एक रिपोर्ट की बात क्यों कर रहा हूँ, अनेक रिपोर्ट की बात क्यों नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। हाँ मुझे भी पता है मैंने क्या बोला है वो नहीं पता, लेकिन ये स्केलेटन को कैसे पता चल जाता है यार। ओके, सो हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन आउट ऑफ द गेम के बारे में जो कि कोई भी कभी भी यूज ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। एक्चुअली ये यूज पता है कब होता है, जब दो बंदे आपस में किसी और ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे इधर मैच चल रहा है, तुम उधर मिल्की वे गैलेक्सी के बात कर रहे हो और वो भी किसी एक बंदे के साथ। मतलब दो बंदे जब आपस में बात करते हैं तभी ये वाला रिपोर्ट काम में आता है। अगर कोई बंदा खुद में ही बर 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 करते रहता है तो उसके लिए ये वाला रिपोर्ट कोई काम में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, वो कभी कभार मेरा माइक ओपन रह जाता है लाइव स्ट्रीम के वक्त, लेकिन वो बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ग्रीन को दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे क्यों तोड़ा? कोई बात नहीं ग्रीन भाई, तुम बच लो। ठीक है, मैं तुमको यहाँ पर रिपोर्ट करने पर भी बैन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इन गेम रिपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इसीलिए आपके रिपोर्ट्स जो कि फेल्ड दिखाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब वो भी मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, आगे मतलब इसके बाद ही मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पर उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रिपोर्ट के ऊपर जो कि है AFK। अब ये बहुत बंदों ने यूज किया और इससे बहुत ज्यादा ट्रॉफीज भी कमाए हैं बॉट्स को रिपोर्ट करके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई बात नहीं बॉट्स भाई, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ इससे बहुत ज्यादा ट्रॉफीज आप लूट सकते हो इन रैंडम रोल्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही था, लेकिन बिट्रे के बारे में अगर बात की जाए और उसके साथ मैलिशियस सेल्फ रिवील। अब ये क्या चीज है भाई, ये बहुत बंदों को लगता है ठीक, लेकिन बहुत बंदों को पता ही नहीं है क्या चीज है। सबसे पहले तो ये अपना कोई बॉडी पार्ट रिवील के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप कौन से रोल्स चूज किए हो। अगर वो आपके इम्पोस्टर रोल है तो आप अगर खुद को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना चाह रहे हो और बाकी सभी स्पेस क्रू उसको बता दिए हो कि भाई मैं ही इंपोस्टर हूँ, मुझे वोट आउट कर दो, क्योंकि कोई भी रीजन रह सकता है, अब आपको खेलना नहीं हो सकता है, लेकिन फिर आपने गेम चालू किया क्यों है। ये क्रेडिट डिडक्ट करता जरूर है और इसीलिए ये मलिशियस सेल्फ रिवील बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं बीट्रे के बारे में। अब बीट्रे क्या चीज है, आप खुद को तो रिवील कर ही रहे हो लेकिन साथ साथ अपने साइडवेज में जो बंदा खेल रहा है आराम से मस्त बैठा हुआ है उसके बारे में भी बता कर जा रहे हो इन गेम। अब ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप खुद से बता रहे हो कि वो बंदा आपका टीममेट है एंड वो सच में आपका टीममेट है तो आपका टीममेट आपके ऊपर बीट्रे कर सकता है। अब कब कैसे रिपोर्ट करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन हाँ आपका बंदा आपके ऊपर रिपोर्ट कर सकता है और उससे आप बैन भी जा सकते हो। लेकिन अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाले रिपोर्ट के तरफ जो कि है थ्रेट स्वेयर। अब थ्रेट का मतलब आप लोगों को बहुत बंदों को पता ही रहेगा कि वो क्या चीज है और
पर उसके बारे में मुझे ज्यादा बताने का नहीं है। जी हाँ, आपने सही सोचा है कि आपके घर पे घुस के मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको हम थ्रेट कहते हैं। अगर कोई बंदा आपके मारने के बाद, जी हाँ, उसे मारने के बाद गेम के बाहर निकल कर ये सब बातें कर रहा है तो आप उसे थ्रेट का रिपोर्ट आराम से मार सकते हो। लेकिन इसके बाद आता है स्वेयर वाला ऑप्शन। अब स्वेयर कब यूज होता है? जब आपके सामने वाला बंदा कह रहा है झूठा कसम या फिर सच्चा कसम, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। अगर वो कसम खा रहा है तो ये पूरी तरीके से इलीगल है गेम के अंदर, और वो कसम देके अगर बचने का कोशिश कर रहा है तो आप उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करो थ्रेट एंड स्वेयर के अंडर पर। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं इनअप्रोप्रिएट स्पीचेस। ये गाली देने वाले बंदों के अगेंस्ट पर होता है। ये तो मैं स्ट्रीम पर यूज करता ही रहता हूँ भाई। लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो की है नेगेटिव गेमिंग। अब कहोगे आप लोग कि नेगेटिव गेमिंग तो सभी चीजों में यूज हो सकता है, कि कोई हैक यूज कर रहा है, कोई बैन कर रहा है किसी को, कोई गलत रिपोर्ट कर रहा है, तो सभी चीज के अगेंस्ट पर यूज हो सकता है नेगेटिव गेमिंग। हाँ, ये सब तो नेगेटिव गेमिंग के अंडर पे आता है। लेकिन सुपर सस क्या कहता है नेगेटिव गेमिंग को लेकर, वो जरा देख लेते हैं हम। तो ये एक्चुअली कहता है कि आप अगर गेम के अंदर डिस्कशन में नहीं आ रहे हो, हाँ ये कम्युनिकेशन आउट ऑफ द गेम जैसा भी हो सकता है, लेकिन ये उन बंदों के अगेंस्ट पर काम करेगा जो कि खुद में ही बर-बर करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आपका बिहेवियर गेम खेलने लायक है ही नहीं, आप कुछ और ही बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, प्रेम बंधन में चले गए हो, तो वहां पर भी ये नेगेटिव गेमिंग का यूज किया जा सकता है। अब ये वही बंदों के द्वारा यूज किया जाएगा जो कि एकदम इंटेंस गेम खेल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता नेगेटिव गेमिंग वाला ऑप्शन का ज्यादा यूज आप लोगों के लिए हो सकता है। अब कर सकते हो कि आपका एक्स के साथ कोई और उसका दूसरा बंदा बात कर रहा है, तो आप उसे ये रिपोर्ट मार सकते हो और दे सकते हो एक पटका। लेकिन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा यूजुअल चीज है, और वो है चीट टूल्स का यूज करने पे ये वाला रिपोर्ट मार रहा है। मतलब कोई हैक कर रहा है, स्पीड हैक, वॉल हैक, जो भी हैक आपको मिल रहा है वो हैक के अगेंस्ट पर ये यूज चीट टूल मार दीजिए, वो बंदा पक्का बैन जाएगा। अब ये बैन मारने के ऊपर भी एक तरीका है जिससे आपका रिपोर्ट का चांस ज्यादा रहता है कि वो सबमिट हो जाए गेम के अंदर। अब वो क्या चीज है वो भी मैं बताता हूँ आप, लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि इन गेम क्रेडिट स्कोर किस तरीके से काम करता है। तो क्रेडिट स्कोर हमको ये समझाता है कि आपके अकाउंट पर कितने सारे बुरे काम किए गए हैं। अगर आपने अभी तक के लिए कोई भी बुरा काम नहीं किया है तो वहाँ पर बिल्कुल 100 में से 100 रहेगा, एंड कोई भी डिडक्शंस आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। अब ये क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर ही सुपर सस अपने चार्जेस आपके आईडी पर लागू करते हैं। और ये बात ध्यान रखने वाला है कि आपका रैंक जितना हाई रहेगा, आपके अकाउंट को बैन होने का खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब ये एज अ खतरा काम करता है उन बंदों के लिए जो कि गाली दे देकर या फिर टीम अप कर करके अपने रैंक्स को इंक्रीज किए हैं। जी हाँ, अगर आपने बहुत ज्यादा गाली, बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए हैं गेम के अंदर, तो आपका अकाउंट परमानेंटली भी डिसेबल हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 14 या 7 दिन का ही बैन मिल जाता है आपके अकाउंट पर। तो आपका क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा लो होगा उतने ही आपके अकाउंट पर बैन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बंदों को जरूर रिपोर्ट करना जिनका क्रेडिट स्कोर लो है और फिर भी वो मैच के अंदर बुरे हरकतें करते रह रहे हैं। तो फिर अब आइए चलिए जानते हैं प्रॉपरली कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं एक बंदे को। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो सिर्फ एक रिपोर्ट ऑप्शन चूज करने हैं जो मैंने पहले बताया। उनमें से अगर कोई एक रिपोर्ट ऑप्शन आप चूज करके सबमिट करोगे, और साथ साथ आपके साथ आपके जो बाकी के स्पेस क्रूज है वो भी अगर आपके साथ सेम रीजन पे सेम अकाउंट पर रिपोर्ट करते हैं, तो उनके एंड आपके रिपोर्ट सबमिट होने का 70% चांस मिल जाता है। अब ये 70% कितना ज्यादा एक्यूरेट है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हाँ भाई, आपका रिपोर्ट लगभग सबमिट हो जाता है उसके जरिए। और मैंने पहले भी बताया सुपर सस का AI उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, फिर भी दे आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, एंड एक बैन 2.0 सिस्टम भी लाया जाएगा इन गेम बहुत ही जल्द। तो जब तक नहीं आता है रिपोर्ट सिस्टम 2.0, तब तक आप इसी वीडियो को देखकर अपना काम जरूर चला सकते हो। और अभी मेरा भी वक्त हो चुका है कि मैं इस वीडियो को खत्म कर दूं। तो मिलता हूं मैं आपसे फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक बढ़िया सा गुड।